तापते पुत्र को न्याय दिलाने के लिए दर दर भटक रहा है और न्याय की आस में आंखें गड़ाए बैठा है। न्याय का रास्ता देखते देखते आंखों में आंसू सूख गए हैं, लेकिन न्याय के नाम पर मिला तो सिर्फ आश्वासन। दिन प्रतिदिन बीतते गए और बीत गया वर्ष, लेकिन आज भी उन बूढ़ी आंखों में अपने बेटे की मौत का गम सता रहा है और सोचते हैं कभी तो कोई मेरी पुकार सुनेगा और सुख संदेश मिलेगा, कभी तो न्याय मिलेगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। बाराबंकी में एक बेबस लाचार पिता अपने पुत्र के न्याय के लिए दर दर भटक रहा है और न्याय की आस में आंखें गड़ाए बैठा है। न्याय का रास्ता देखते देखते आंखों में आंसू सूख गए, लेकिन न्याय के नाम पर मिला तो सिर्फ आश्वासन। दिन बीतते गए और बीतता गया साल, लेकिन आज भी उन बूढ़ी आंखों को अपने बेटे की मौत का गम सता रहा है और सोचते हैं कभी तो कोई मेरी पुकार सुनेगा और सुखद संदेश मिलेगा, कभी तो न्याय मिलेगा, जिसकी आस में आज भी वह अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रहा है। मामला देवा थाना क्षेत्र के तिंदौला गांव का है, जहां 25 वर्षीय अजीत अवस्थी नाम का युवा अचानक 21 अप्रैल 2019 को गायब हो गया था। इसके बाद उसके पिता दिनेश अवस्थी ने अजीत के अपहरण होने की शंका जाहिर की थी और 22 अप्रैल को डायल 100 पर सूचना दी थी और 23 अप्रैल को देवा थाने में जाकर गांव के चार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। पुलिस की तफ्तीश शुरू हुई और दो लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि उन लोगों ने यह कबूल किया कि उन्होंने अजीत की हत्या करके शारदा नहर में फेंक दिया। उसके बाद 25 अप्रैल को ही पुलिस से यह सूचना मिली कि अजीत की डेड बॉडी मिली है। जब दिनेश अवस्थी सूचना पाकर मौके पर पहुंचे तो पुलिस ने मृतक की चप्पल दिखाकर पहचान करने की बात की। इस पर मृतक के पिता मृतक की बॉडी दिखाने के लिए पुलिस से प्रार्थना करते रहे, लेकिन उनकी एक न सुनी और पुलिस का जवाब था कि बॉडी देखकर क्या करोगे। इससे दिनेश के दिल में एक और शक पैदा हुआ और यह साजिश बताया। इसके बाद मृतक के पिता ने बताया कि दबंगों द्वारा घर के अन्य सदस्यों को भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिससे परेशान होकर दिनेश अपने परिवार सहित अपने पैतृक गांव छोड़कर बाराबंकी के किराए के मकान में रहने लगे और बाराबंकी पुलिस अधीक्षक से मामले की जाँच कर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। फिर भी न्याय के नाम पर जब आश्वासन ही मिला, हमको और हमारे बच्चों को खतरा है और धमकी भी मिली है, जिसलिए हम लोग यहाँ रह रहे हैं। के दबंग लोग हैं जो एक नहीं कई कत्ले कर चुके हैं और जिनका कुछ नहीं होता है, भ्रष्टाचार कर आगे निकल जाते हैं लोग, और हम दौड़े दौड़े घूम रहे हैं, कहीं पर हमको न्याय और इंसाफ नहीं मिल रहा है और हमें भी खतरा है कि हमारे बच्चे मारे जाएंगे या मैं मारा जाऊंगा। इसके बाद दिनेश अवस्थी ने पुलिस महानिरीक्षक नागरिक सुरक्षा उत्तर प्रदेश को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की और फिर बेबस पिता ने मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई और CBI जांच की मांग की। लेकिन इस बेबस लाचार पिता के आखिर सुने तो कौन। एक बेबस पिता आज भी न्याय के लिए दर दर भटक रहा है और अपने बेटे की तस्वीर को देख कर रोता है। आज भी उनको लगता है कि कभी तो इंसाफ मिलेगा। बाराबंकी से KNews के लिए सत्येंद्र जैन की रिपोर्ट।